असलकम दोस्तों कैसे हैं आप सब आप जो अपनी स्क्रीन पे डिवाइस देख रहे हैं इसका नाम है इन्फ्राइड थरमोमीटर यह डिवाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया आएँ रिव्यू करने के लिए ताकि आप सबको मैं बता सकूँ इस डिवाइस का क्या फ़ायदा है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा ये जो डिवाइस मेरे हाथ में है इसका नाम है इन्फ्रेड थरमोमीटर जो कि एक कंपनी है बहुत ही मशहूर एस उस ब्रांड की है इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं आए मैं आपको दिखाता हूँ यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस रेंज आपके सामने है यह इसका इंफ्रारेड थर्मोमीटर है और इसी तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशन है जिसका मॉडल नंबर है टी के टी एल ट्वेंटी वन ये एस के एफ कंपनी की है और इसके अंदर तीन बटन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला बटन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरन हाइट है दूसरा बटन जो है वो मोड है और तीसरा बटन जो है वो है इसकी एडजस्टमेंट अच्छा अब आप देख सकते हैं कि जो है इस डिवाइस का सारा फ्रंट टॉप और बैक व्यू ठीक है इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉक का बटन है इसका भी मैं आपको फंक्शन बताऊँगा साथ इसके क्या क्या डिवाइस हैं साथ इसका जो है एक हमारे पास सेंसर है जो कि अंदर डेप्थ के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम किसी डेप्थ से टेम्परेचर लेना चाहें तो इस लीड को हम साथ अटैच करके किसी भी चीज़ का आराम से टेम्परेचर ले सकते हैं इस डिवाइस की जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कि पाँच से छः इंच की है इसको जो है हम आराम से इजीली किसी ऐसी सरफेस के अंदर इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं टेम्परेचर को साथ इसकी आप तार देख सकते हैं तार की लेंथ भी आप इजीली देख सकते हैं और ये इसकी लीड है जिसको हम इसके साथ अटैच करके इजीली जो है हम गन के साथ असम्बल कर सकते हैं चलें आए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस गन को यूज़ कैसे करते हैं सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि मैं इसका बटन दबाया है मोड का मोड के अंदर आप देखें कि स्क्रीन की डिस्प्ले ऑन हो चुकी है इसके अंदर मुख्तफ़ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन एक्चुअली हैं क्या आप जो है मोड का बटन दबाएँगे तो इसके ऑप्शन चेंज होंगे लॉक का बटन दबाएँगे तो लॉक का जो है ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा अब मैं मोड का बटन दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ फशंस चेंज हो रहे हैं जैसा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ये मैक्सिमम टम्परेचर को शो करवा रहा है इसी तरीके से ये है मिनिमम टेम्परीचर जो कि मिनिमम टेम्परीचर को शो करवा रहा है ये है डिफरेंस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस को शो करा रहा है इसी तरीके से ये एवरेज है जो कि आपको दोनों टमपरेचर की एवरेज बताएगा इसी तरीके से आगे, आगे आप मज़द फंक्शंस को देख सकते हैं और ये सब फंक्शन जो हैं आप इस डिवाइस के ज़रिए मैर कर सकते हैं ये ओरिजिनल एस की प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं जैसा कि मैं टेम्परेचर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ॉरन हाइट के अंदर टेम्परेचर को मैयर कर सकती है किसी भी हॉट सरफेस जिसके अंदर जो है आप हाथ लगा के या टच करके उसका टेंपरेचर नहीं देख सकते तो ये डिवाइस आपको बसानी सारा टेम्परेचर बता देगी इसके अंदर जो है लॉक बटन जो है ये लॉक बटन जो है आपकी रीडिंग को प्रेस करने से लॉक कर देता है यह इसका पावर बटन है जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं इसके अंदर से इंफ्रारेड रेड रेज निकलती हैं यह इसका सेंसर है और इसकी लाइट है और इसी सेंसर के ज़रिए ही जो है ना ये टेम्परेचर को रीड करता है इसका टेम्परेचर लेना बहुत ही आसान है इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है और ये बहुत ही ईजीली जो है ना ये एक आम बंदा भी चला सकते इसके लिए कोई एक्सपर्टाइज़ होनी बहुत ज़रूरी नहीं इस डिवाइस के अंदर जो है आप किसी भी चीज़ का चाहे स्टीम की लाइनें हो स्टीम बॉयलर हो कोई मशीन हो कोई प्लांट हो उसकी आप जो है हीट कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी डिस्टेंस रेशो जो है थर्टी रेशो वन है जो कि बहुत ही अच्छी रेशो है और ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा रेंज के अंदर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे सकती है आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं लेकिन हम लोगों ने आपके लिए जो ब्रांड इंतखाब किया है वो एस के एफ़ है क्योंकि एक रिलायबल ब्रांड है और ये बहुत ही अच्छी और क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। तो ये था जी आज का रिव्यू इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज